उद्घाटन की तस्वीरें जहां फीता काटकर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के भीतर दाखिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने अभी तस्वीरें देखी कि प्रांगण के बीचों बीच किस तरीके से रुद्राक्ष का एक पेड़ लगाया और अब लीजिए औपचारिक रूप से हवाले हो चुका है काशी वालों के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री दाखिल हो चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अब इसे देखना चाहते हैं। गैलरी में इस वक्त नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए शिंजो आबे की जो मुलाकात हुई, जो गंगा आरती, जो नाव में बैठकर उन्होंने देखी, यहाँ के प्रतिभाओं को देखा, उन प्रतिभाओं के लिए एक जगह होनी चाहिए, जगह भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि पूरी तकनीक के साथ लैस। ये भाग्यशाली अवसर है वाराणसी के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए भी कि ये गार्जियन के रूप में जिस तरीके से वाराणसी को उन्होंने सजाया संवारा है, समय से पूरा किया जो सारे प्रोजेक्ट, वो महत्वपूर्ण है। बधाई हो, शुभकामनाएं सारे देश को, वाराणसी को, उत्तर प्रदेश के लोगों को। विशाल रामेंद्र, तो देखिए यहाँ पर औपचारिक रूप से उद्घाटन हो चुका है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के भीतर से ही तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और इस बिल्डिंग की क्या खासियत है, जापान की टेक्नोलॉजी, फॉर रिलीजियस इश्यूज, भारत जापान मैत्री का प्रतीक, ये इमारत है शिवलिंग के आकार का है, एल्युमिनियम की 108 रुद्राक्ष है और तमाम चीजें जो डिटेलिंग है उसे हम आपको लगातार बताते चलेंगे। पूरा कन्वेंशन सेंटर 3 एकड़ में फैला है प्राइम मिनिस्टर और ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के साथ एक आलिशान हॉल बनाया गया है। और देखिए जापान के लिए भी वाराणसी की धरती बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के रंग भी देखने को मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी सारे धर्मों को जिस तरीके से आत्मसात करते हैं, स्वीकार करते हैं। अम्ब्रेला देख रहे हैं कि जापान की जो कल्चर है, जो वहाँ की संस्कृति है, उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। भारत और जापान की संस्कृति एक साथ जुड़ी दिख रही है, ये रिश्तों का जो अपनापन है वो दिख रहा है कि भारत किस तरीके से जापान के साथ रिश्तों में आगे बढ़ रहा है, ये उसकी एक तस्वीर सी है। अब ये रिश्ते और आगे जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी रिश्ते जिस देश से बनाते हैं उसको लंबे तक ले जाते हैं और हमारे रिश्ते जापान से पहले भी अच्छे थे विशाल, और ये जो तस्वीर दिख रही है ये दूर तक जाने वाली तस्वीर दिख रही है। वेल एब्सोल्युटली बिकॉज योर बॉडी लैंग्वेज सेज इट ऑल एंड द प्राइम मिनिस्टर। यहां पर किस तरीके से बताया गया है कि ये जापान और भारत की मैत्री ही नहीं बल्कि दोनों जो सभ्यताएं हैं, जो कल्चर है, उनकी छटा यहाँ पर एक साथ देखने को मिलेगी। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि जो अम्ब्रेला है, जो छतरियां हैं, ये जापान के रंग बिरंगी सभ्यता का प्रतीक मानी जाती हैं और वो छतरियां भी हैं। इसके साथ रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया है जो भारत के और शिव जी के प्रतीक के लिए जाना जाता है प्रधानमंत्री जी। और ये साहित्य वाराणसी का, आसपास की उत्तर प्रदेश का जो साहित्य है वो यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा गैलरी में, कि कोई भी आए तो वाराणसी को समझ सके, उत्तर प्रदेश को समझ सके, उनकी लोक कथा, लोक गाथाओं को समझ सके, इस तरीके से ये सजाया गया। अभी पिछली फोटोज लगाई गई जो शिंजो आबे साहब के साथ प्रधानमंत्री जी थे, कई फोटोज ऐसी लगाई गई कि जो अभी रिश्तों को प्रदर्शित करती हैं कि जापान के साथ हमारे कितने मधुर रिश्ते हैं और भविष्य में ये रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे विशाल। Well, surely and definitely, and this is the auditorium that we have been talking about with a capacity of 1200 people. तो 1200 लोगों के साथ बैठने की कैपेसिटी वाले इस ऑडिटोरियम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि 1200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं इस ऑडिटोरियम में। ये भी काफी तकनीक से लैस होगा, यहाँ कई प्रतिभाओं के मंच के लिए व्यवस्थाएं होंगी। अब देखिए, अब इस मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अब देखना होगा कि इस मंच से वो क्या संबोधित करते हैं, क्या कहते हैं। देखिए उनके स्वागत में तमाम लोग खड़े हैं और